बाढ़ क्षेत्र जनजाति मामले को लेकर आखिरकार हाटी समुदाय के लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और अब समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। 2 दिसंबर को चंडीगढ़ में हुए प्रदर्शन के बाद अब 5 दिसंबर को सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में समुदाय के लोगों द्वारा हिमाचल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारी के नेतृत्व में नाहन में हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय हाटी समिति के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि केंद्र द्वारा तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी गिरिपार क्षेत्र के लोगों को जनजाति क्षेत्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है और प्रदेश सरकार मामलों को लटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद इलाके के लोगों को एसटी के प्रोविजनल प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को शिमला में सरकार के साथ हुई बैठक में समुदाय के लोगों द्वारा नाराजगी जाहिर की गई मगर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला से कांग्रेस के विधायक हाटी समुदाय के लोगों के हितैषी होने का दावा करते हैं और यदि वह हितैषी हैं तो 5 दिसंबर को नाहन में आयोजित होने वाले प्रदर्शन में समुदाय के लोगों का साथ दें। उन्होंने कहा कि आज तक गिरिपार इलाके के लोगों ने शालीनता का परिचय दिया मगर अब उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जाहिर करना पड़ रहा है। न्यूज डेस्क एनवल लाइव। कोर्ट ने हमारे को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया है, तो जब ये सब चीजें हो रही है, सब कुछ ठीक है, तो उसमें हिच क्या है कि भाई हमारे लोगों को सर्टिफिकेट क्यों इशू नहीं किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को इस चीज से वंचित क्यों किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कल भी हमने वहाँ पे थोड़ा सा जब हम उनसे नाराजगी जाहिर की, हमने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन बाय द हिमाचल प्रदेश सरकार विच यू हैव टेकन। तो हमने क्या निर्णय लिया, कल हमारा चंडीगढ़ में भी हमारे जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। अब अगला स्टेप हमने क्या किया है, हमने 5 तारीख को नाहन में धरने प्रदर्शन का रखा हुआ है यहाँ पे, और हम आह्वान करते हैं अपने दोनों जो हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, एक तो हमारे जो मंत्री जी हैं हर्षवर्धन चौहान जी और रेणुका जी से जो विनय जी हैं, हम चाहते हैं कि अगर आप इतने हितैषी हैं हम लोगों के, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, जहाँ भी आप चलने को तैयार हैं आइए हमारे साथ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए और आके यहाँ पे हमारे साथ धरना प्रदर्शन कीजिए। जब आपको देखो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहा है, ट्राइबल मिनिस्टर बोल रहा है, इंडस्ट्री मिनिस्टर बोल रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकता, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो मंशा तो आपको साफ जाहिर है कि ये डिले टैक्टिक जो अडॉप्ट की जा रही है और हमारे बच्चों को जो अभी वैकेंसियाँ निकली हुई है उससे वंचित करने का सीधा सीधा प्रमाण है। और इन्होंने ये देखा है कि ये ट्राइबल के जो ट्रांसगिरी के जो लोग हैं, इन्होंने कभी आज तक ना धरना प्रदर्शन किया ना कभी करना आता है, इनको आता ही नहीं है। अब हम इनको ये दिखाएंगे कि ट्राइबल वाले जो जितना शांत होता है उसके बाद वो जब अपने उग्रता पे आ जाता है तो उसके बाद का सीन अब हम अपने मंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को दिखाना